क्या आप भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं AI बिजनेस आइडियाज? तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिनको शुरू करके आप पैसे तो कमा ही सकते हो लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर रिवॉल्यूशन भी ला सकते हो। देखिए दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक भी बिजनेस आइडिया ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये AI टूल मार्केट में आ चुका है, इस टूल का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो, अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज दे सकते हो और पैसे कमा सकते हो। जैसे एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, ChatGPT आ चुका है, आप अपनी खुद की कंटेंट कंपनी शुरू कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। Midjourney से आप फोटोज बनाकर लोगों को फोटो सेल कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ऐसे आइडियाज नहीं देने वाला हूं, आपको एकदम रियलिस्टिक आइडियाज देने वाला हूं जो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक होने वाले हैं। सो अगर कोई भी इंसान इनके ऊपर काम करेगा तो वो पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ ही साथ में हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस भी ला सकता है। सो क्या है वो 5 AI बिजनेस आइडियाज, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल को अपलोड करूंगा और आप उसको देख पाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं 5 AI बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। सबसे पहला AI बिजनेस आइडिया कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे हर कंपनी का अपना खुद का कस्टमर सपोर्ट होता है। अब कुछ कंपनियां क्या करती है, खुद की इनहाउस टीम हायर करती है और कुछ कंपनियां BPO को अपना प्रोसेस दे देती है। आपने ये भी देखा होगा एक ही BPO के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चलते होते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी के कस्टमर सपोर्ट वहां पे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कभी कॉल सेंटर में काम किया है या फिर आपके किसी फ्रेंड ने या जान पहचान वाले ने काम किया है तो उससे बात कर लेना। कस्टमर सपोर्ट में 90% जो प्रॉब्लम्स होती है वो सेम जैसी ही होती है और आप खुद जानते होंगे AI जो भी रिपीटेटिव टास्क है उनको रिप्लेस करने का काम कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हम एक ऐसा AI मॉडल तैयार करें जिसके अंदर जो रिपीटेटिव टास्क है उनको एलिमिनेट किया जा सके और कस्टमर से सबसे पहले AI बात करे और अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो एस्केलेशन करना चाहता है, तो उस केस में मैनेजर लेवल पे या एस्केलेशन लेवल पे ह्यूमन होंगे। मतलब दोस्तों, अगर कस्टमर को कोई भी सर्विस चाहिए तो वो सिंपली क्या कर सकता है, या तो चैट के थ्रू AI से बात कर सकता है या फिर जब वो कॉल करे तो वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी AI का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो भी रिपीटेटिव प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। और मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो यूनिक होती है तो उसके लिए डायरेक्टली उसको मैनेजर से या फिर एस्केलेशन जो डिपार्टमेंट होगा उसको कनेक्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों, अगर कोई ऐसा AI मॉडल तैयार होता है तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में कस्टमर सर्विस के लिए जो हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है उतने लोगों की जरूरत ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की जरूरत पड़े पूरे कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करने के लिए। सो दोस्तों, अगर आप AI से रिलेटेड कोई बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो इस प्रकार के बिजनेस के ऊपर भी काम किया जा सकता है। दूसरा AI बिजनेस आइडिया डायग्नोस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, जब लोग किसी बीमारी की वजह से बीमार पड़ते हैं तो उनके सिम्टम सेम होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सेम होती है और उनको डायग्नोस करने का जो तरीका होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार किया जाए जिसमें वो कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम्स बता सके और साथ ही साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी तरीके हैं उनके बारे में A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं। मान लीजिए हमने एक ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार किया जो स्किन डिजीज से रिलेटेड है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसको कोई पर्टिकुलर स्किन डिजीज है, तो वो सिंपली क्या कर सकता है, उसकी फोटो खींचकर इस मॉडल के अंदर अपलोड कर सकता है। उसके बाद में ये जो हमारा मॉडल होगा वो उसको एग्जामिन करेगा और फाइंड आउट करेगा उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और जो प्रॉब्लम है उसको कौन से स्टेज में, क्या वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, और जो भी स्टेज होगा उसके हिसाब से वो ये भी बता देगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, साथ ही साथ में उसके आसपास में कौन से बेस्ट डॉक्टर्स हैं जिनसे ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है और ट्रीटमेंट कराने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन अगर वो प्रोवाइड कर देगा। सो जिसने फोटो अपलोड की है वो स्मार्टली डिसीजन ले सकता है कि जो उसको प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए और कहां से शुरू होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता है कि कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो उसको डिले करते रहते हैं और एक टाइम के बाद में प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि सिचुएशन हद से बाहर निकल जाती है। अब देखिए, कोई भी जानबूझ के अवॉइड नहीं करना चाहता लेकिन हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि हमको टाइम नहीं मिल पाता। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल हो तो कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद में उनको ये समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कौन से स्टेज में है और उस स्टेज में किस तरीके का डायग्नोस्टिक होने वाला है, कितने डॉक्टर्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी तो वो स्मार्टली डिसीजन ले सकते हैं। वैसे आज के टाइम में ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम क्या है, वो आपको बताता है। सो AI की मदद से ये चीज की जा सकती है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तीसरा AI बिजनेस आइडिया स्टूडेंट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे स्कूल में होते हैं 10th पास होने से पहले पहले तक वो कंफ्यूज होते हैं कि 10th के बाद में वो क्या स्ट्रीम चूज करें, वो आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए। देखिए, ये प्रॉब्लम आज के टाइम भी है और आज से 20 साल पहले या उससे पहले भी थी, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि AI की मदद से इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार किया जा सकता है जिसके अंदर पहले से सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, मतलब जिन बच्चों ने पास्ट में 10th पास करने के बाद में जब आर्ट्स लिया तो उसके बाद में अपनी लाइफ में कहां पहुंच पाए, उसके बाद में जिसने कॉमर्स लिया वो कहां पहुंच पाए और जिसने साइंस लिया वो कहां पहुंच पाए, इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा पहले से होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग करनी है, अगर ये फाइंड आउट करना है कि उसको लाइफ में क्या लेना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली उसको क्या करना होगा, अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी। उसके बाद में जो AI मॉडल है वो सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उसके बाद में उसके पास जो डेटा पहले से अवेलेबल है उसके बेसिस पे बताएगा कि अगर
अगर वो आर्ट्स लेता है तो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, अगर वो कॉमर्स लेता है तो ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर वो साइंस लेता है तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार का डेटा डालना होगा। सो देखिए, जो स्टूडेंट है उन्होंने फर्स्ट से लेकर नाइन्थ तक क्या मार्क्स स्कोर किए, उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या चीजें उनको अच्छी लगती है, ये सारा डेटा डालना होगा और उसके बाद में करियर काउंसलिंग की जा सकती है। अब अगर कोई ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार करता है तो वो स्कूल्स को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड कर सकता है, और उसके बाद में स्कूल्स बच्चों से या उनके माँ बाप से कुछ सर्टन फीस ले सकते हैं और उनके लिए करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एवरेज स्टूडेंट है और अगर वो साइंस लेता है तो साइंस में उसके पास होने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे, अगर वो पास हो जाता है तो उसके पास कौन से ऑप्शन है वहां पे वो जा सकता है, और अगर वो इनकेस पास नहीं हो पाता तो उसके पास और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जा सकती है। चौथा AI बिजनेस आइडिया CA की सर्विसेज से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। अब जो लोग छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं वो लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड कोई भी कंप्लायंस है, तो इन सारी चीजों के लिए CA के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी इंसान को अपने बिजनेस के कंप्लायंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो वो CA को कॉन्टैक्ट करेगा, फिर CA क्या करेगा, जो भी लॉ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से एनालाइज करके उसको बताएगा कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बोलते हैं हमने साल का इतना टर्नओवर किया, इतना टैक्स भरने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि हम यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करें जहां से हमारा टैक्स कम हो सके, यही सब कामों के लिए CA हेल्प करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि CA हर बार अपने क्लाइंट को कुछ नई चीज नहीं बताते, जो पहले से लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी के हिसाब से वो चीजें बताते हैं। अब जरा सोचिए अगर एक ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार किया जाए जिसके अंदर ये सारे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ट्रेन कर दिया जाए, उसके बाद में अगर किसी को भी कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, तो सिंपली उस AI मॉडल से पूछ सकता है और अपना जो सॉल्यूशन है वो तुरंत पा सकता है। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो अपने CA को पूरे साल भर के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए पे करता है। अब अगर इस प्रकार की सर्विसेज आ जाए और मंथली बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट हो तो वो डेफिनेटली इस प्रकार की सर्विसेज को ऑप्ट करना पसंद करेगा। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं जो CA सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि जो CA हमको अलग अलग प्रकार की एडवाइस प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और जो लॉ है उनके हिसाब से ही देते हैं। तो अगर हम एक ऐसा AI मॉडल तैयार करें जिसके अंदर वो सारी चीजें पहले से बिल्ट हो तो अगर किसी भी कस्टमर को सर्विस चाहिए होगी तो बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड की जा सकती है। सो अगर आज के टाइम में कोई CA 10 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आने वाले टाइम में हो सकता है उसको 3 या 4 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े। और मान लीजिए अगर किसी CA ने ऐसा AI मॉडल तैयार कर लिया तो उसे अपने क्लाइंट को बार बार एक ही प्रकार के जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, AI उसके बिहाफ पे ये सारे जवाब दे सकता है। पांचवा और आखिरी AI बिजनेस आइडिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर एक प्रकार की जमीन में अगर हम कोई एक चीज उगाते हैं तो उसका सर्टन प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसी जमीन में अगर हम कोई दूसरी चीज उगाएं तो पॉसिबिलिटी है कि उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जमीन के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब जरा सोचिए अगर एक ऐसा AI बेस्ड मॉडल तैयार किया जाए जिसमें हर प्रकार की जमीन से रिलेटेड डेटा अवेलेबल हो, और ये डेटा अवेलेबल हो कि अगर ऐसी जमीन होगी तो इस प्रकार की खेती की जाए तो ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो ऐसे केस में जो हमारे देश के किसान है खाली उनको अपने जमीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी होगी और वेदर कंडीशन क्या है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, और उसके बाद में उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी जमीन के अंदर अगर ये चीज उगाई जाए तो ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा और ये सारी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना होगा। सो दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये पांचों AI बेस्ड बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। वैसे इन पांचों में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और कौन सा आपको सबसे बेकार लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके अलावा इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा AI की बात करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि AI की मदद से इन पांच में से कोई भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के नए नए और यूनिक बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको पता चलता रहे। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।